हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज देखेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक से चलाता है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले प्लीज जाकर उन वीडियो को देखें, उसके बाद में क्वेश्चन आगे देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली लड़की है के गणित और अंग्रेजी सब्जेक्ट दो है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है यदि उसको गणित में दो अंक अधिक मिलते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, गणित में दो अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में या दो विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, साफ करते हैं। लिखा हुआ एक क्लास में शेफाली, तो दो सब्जेक्ट हमारे पास दिए, गणित दिया गया और अंग्रेजी दिया गया, तो हमें कह रहा है कि दोनों विषयों का योग जो आ रहा है 30 आ रहा है। तो हम मानेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट का, हम मान ले, मानने के बाद में दूसरे का अपने आप निकल आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे गणित और अंग्रेजी लिखा, तो लिखेंगे माना माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंग, गणित में प्राप्त अंक बराबर एक्स। तो अब यहीं पर आ जाएगा अंग्रेजी को, शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक आप देखेंगे। दो विषय थे, जैसे मान लेते हैं ये अंग्रेजी दी हुई है, ये अंग्रेजी हो गई और ये गणित हो गई, दोनों में टोटल योग करने को जोड़ने पर 30 आ रहा है। तो हमें क्या करना, हमने एक का एक्स मान लिया है तो दूसरे का क्या करेंगे, जो 30 योग था तो योग से अगर हम गणित के अंक को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो हमारा किसका हो जाएगा, अंग्रेजी का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 30 माइनस एक्स, अर्थात कह सकते हैं कुल से गणित के अंक हमें पता थे, गणित के अंक घटा दिया तो जो घट करके आएगा वो अंग्रेजी के अंक कह जाएंगे। चलिए देखिए अब आगे कह रहा था, यदि उसको गणित में दो अंक अधिक मिलते हैं तो लिखेंगे क्या, यदि शेफाली को दो अंक अधिक मिले तो किसमें एक्स प्लस क्या हो जाएगा, दो। अब यही कह रहा है कि यदि शेफाली को तीन अंक, गणित में कह रहा था या लिख दो यहां पर, यदि शेफाली को गणित में दो अंक अधिक मिले और कह रहा है शेफाली को अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले तो अब अंग्रेजी हमारे पास दिया है, अंग्रेजी 30 है तो क्या करेंगे, 30 माइनस एक्स और इससे तीन क्या करेंगे, कम है तो कम को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 30 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 माइनस कितना हो जाएगा एक्स। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, अब इनका और इनके अंकों का गुणनफल कितना है, 210। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार ये लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, गुणनफल करेंगे इनका तो आ जाएगा एक्स प्लस दो और इधर आ जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर में हो जाएगा 210। ये गुणनफल इनका करेंगे तो इनकी की गुणा करते हैं, ये आ जाएगा एक्स और 27 की गुणा हो जाएगा 27 एक्स, आगे क्या हो जाएगा एक्स की गुणा माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स और एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए अब 2 × 27 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा प्लस और प्लस प्लस हो गया 7 × 14 के 4 हाथ से लगे 1, 2, 3, 4 और 1, 5 54 हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 और x गुणा कितनी हो जाएगी 2x = 210 दिया गया है। अब देखो यहां पर कितना दिया गया है 27 और यहां पर 27 दिया यहां पर माइनस का 2 तो 27 से 2 घटाएंगे तो किसके बचेंगे 25x बचेगा। माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 54 और ये 210 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 210 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो अब देखेंगे 210 माइनस का दिया इधर प्लस का दिया तो हम घटाएंगे 210 से 210 से 54 घटाएंगे ये हमारा है माइनस का और ये प्लस का 10 से 4 जाएंगे 6 बचेंगे यहां से लगे कितने यहां पर अब यहां पर कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा तो यहां 0 10 10 से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5 और यहां पर कितना जाएगा 1 156 लेकिन किसका आएगा माइनस का तो लिखेंगे अब इसको सही ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स और माइनस 200 घटा दिया 156 बराबर कितना हो गया 0। चलिए आगे देखते हैं अब यही से देख इसमें से माइनस कॉमन लेंगे जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा ये एक्स स्क्वायर अंदर के चिन्ह सभी बदल जाएंगे माइनस का 25x हो जाएगा प्लस का 156 बराबर में कितना हो जाएगा 0 माइनस का 0 के साथ में गुणाएगी तो माइनस हो तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी इधर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब देखेंगे हमें क्या करना है इसके गुणन करने 25x को तोड़ना है तो इसको क्या 156 दिया गया और यहां से जब कोई चर पद के साथ में कुछ भी नहीं होता तो वहां पर क्या होता है 1 होता है तो 156 और 1 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 156 तो 156 हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर करेंगे 156 के तो 156 के फैक्टर करेंगे तो क्या जाएगा सम संख्या 2 से कट जाएगी 2 × 7 = 14 1 बचेगा 2 × 8 = 16 2 × 3 = 6 1 बचेगा 2 × 9 = 18 3 से कटेगी 3 × 1 = 3 3 × 9 अब क्या जाएगा 13 से कटे 13 × 13 तो हमें क्या करना 25 लाना है तुम कैसे करेंगे 3 × 6 = 6 × 12 12 और 13 कितने होते हैं 25 12 और 13 कितने होते हैं 25 तो हमें प्लस का चिन्ह यहां पर लगा देखेंगे जब प्लस का चिन्ह यहां पर होगा तो संख्या जोड़ने पर गुणनखंड होगी तो अब देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 + 13 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस का हो जाएगा 156 बराबर में कितना आएगा 0। अब इसके फैक्टर खोलेंगे एक्स स्क्वायर इधर से चिन्ह की गुणा और इधर से चर पद की गुणा माइनस 12 और x की गुणा क्या हो जाएगी 12x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा प्लस 156 बराबर 0। अब देखो ये जोड़ा बना लेंगे और ये जोड़ा बना लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा एक्स तो x माइनस हो जाएगा 12 इधर हमारे पास माइनस का 13 कॉमन मिलेगा तो 13 हो जाएगा इधर और बचेगा ब्रैकेट के अंदर x चिन्ह भी बदलेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस का तो 13 और का भाग देंगे 56 में तो कितना आ जाएगा 12 बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब ये समान है तो इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस कितना हो जाएगा 13 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 13 को 0 के बराबर तो आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का इधर माइनस का ये भी हमारा किसका हो जाएगा प्लस का। तो अब देखेंगे ये x बराबर 2 मान मिल गए एक x बराबर 12 हो गया और एक x बराबर 13 हो गया तो हमने माना था माना सैफाली को गणित में प्राप्त अंक x तो हमने x की वैल्यू पहले निकाल ली एक बार हम x की वैल्यू रखेंगे प्राप्त अंक अगर 12 मिलते एक बार 12 रखेंगे और दूसरी बार क्या रखेंगे 13 तो जब 12 रखेंगे तो अंग्रेजी में लिखेंगे आता यदि x बराबर 12 या 13 दोनों रखेंगे तो एक बार अगर 12 रखते हैं तो 30 से घटाओ अंग्रेजी में तो गणित के हो गए अंग्रेजी के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30 माइनस एक्स है तो 30 माइनस 12 एक बार रखेंगे तो आएगा कितना बचेगा यहां से 10 से तो जाएगा 8 बचेगा 18 और अगर एक बार रखे 12 रखते हैं इसमें 13 रखते हैं तो क्या जाएगा पुनः 30 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा 10 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 यहां पर 2 2 से 1 तो कितना बचेगा 17 तो
तो आ जाएंगे 17 और 18 हो सकते हैं, इधर 12 और 13 हो सकते हैं। इस प्रकार से कुछ सैफ अली के गणित में अंक 12 और 13 हो सकते हैं और अंग्रेजी में कितने हो सकते हैं 17 या 18। जब 13 रखेंगे तो 17 आएगा अंग्रेजी में, 17 और 13 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। योग कह भी रहा था कितना कि 30, दोनों सब्जेक्टों का योग कितना है 30, अगर 12 और 18 रखेंगे तभी 30 आएगा, ठीक है।